हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये जो डिज़ायर कार आप देख रहे हैं इसका माइल टेस्ट करने जा रहे हैं। चलिए कार में बैठते हैं और शुरू करते हैं। मारुति सुजुकी डिज़ायर अपनी माइलेज और परफॉर्मेंस के लिए तो जानी ही जाती है, साथ ही लो मेंटेनेंस के अलावा यह कार वैल्यू फॉर मनी भी है। तो दोस्तों, आज जिस गाड़ी का माइल टेस्ट हम कर रहे हैं ये डिज़ायर VXi ऑटोमेटिक यानी AGS मॉडल की रहने वाली है। दोस्तों, माइलेज टेस्ट करते हुए कार में AC को ऑन ही रखा जाएगा। आइए अब हम इसमें फ्यूल भरवा लेते हैं। चलिए अब हम पंप की तरफ चलते हैं और ये गाड़ी अब हम पंप की तरफ लेके जा रहे हैं। ये लगवा रहे हैं गाड़ी, ये हम यहाँ से अब हम पेट्रोल भरवाते हैं। और पेट्रोल भरवाने के बाद MID को सेट कर लेते हैं और उसके बाद इसमें हवा का जो प्रेशर है वो भी जो रिकमेंड करती है टायर्स के हिसाब से उतना हम इसको भरवा लेते हैं, ताकि टायर में कम हवा इसकी माइलेज पर असर ना डाल सके। हमने इसमें पेट्रोल भरवा लिया है और टायर की हवा भी चेक कर ली है। अब आपको हम MID दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें 344 किलोमीटर ये कार अब तक चल चुकी है और ट्रिप बी को मैं सिलेक्ट करके इसको ज़ीरो कर देते हैं, ताकि इसके बाद जितनी भी किलोमीटर ये गाड़ी चले उसको हम, तो इस तरीके से अब हम माइलेज चेक करने के लिए तैयार हैं। तो चलते हैं सिटी की ड्राइव पर और देखते हैं कि ये गाड़ी हमारे को कितना माइलेज देती है। डिज़ायर कार की इस वेरिएंट की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का ड्यूल जेट इंजन आता है और इसमें 5 गियर होते हैं जो स्पीड के हिसाब से खुद ही बदल जाते हैं। मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि ये कार बिल्कुल एकदम नई कार ली है हमने ड्राइविंग टेस्टिंग के लिए। कार लेने के बाद उसकी माइलेज एक बड़ा फैक्टर होता है। अच्छी माइलेज के लिए इंजन की परफॉर्मेंस के साथ ड्राइविंग का तरीका भी बहुत मायने रखता है। जब हम माइलेज की बात करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखकर हम अच्छी माइलेज कार से ले सकते हैं, जैसे एक स्पीड पर चलाना, बार बार ब्रेक का इस्तेमाल करना और बार बार एक्सीलरेटर को देने से भी एवरेज पर असर पड़ता है। इंजन को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसका सीधा असर उसके फ्यूल कंजप्शन पर पड़ता है। कार को शॉर्ट ट्रिप में चलाना भी एक कम माइलेज का कारण बनता है। साथ ही कार के टायर्स में हवा का कम होना और समय पर सर्विसिंग ना करवाना एक बड़ा कारण होता है। ड्राइविंग करते समय एकदम रैश तरीके से या झटके से एक्सीलेटर देने से माइलेज पर फर्क पड़ता है। इस वेरिएंट की माइलेज कंपनी द्वारा 22 किलोमीटर पर लीटर की बताई गई है। हम इस कार को केवल सिटी में ही चलाएंगे, ताकि सिटी की ड्राइविंग कंडीशंस में एग्जैक्ट या नियर बाय एवरेज का अंदाज़ा हो सके। हाईवे पर हम ड्राइव नहीं करेंगे। कार को हम सिटी के छोटे बड़े सभी रोड्स पर चलाएंगे। इसकी एवरेज स्पीड 20-30, 40-50 तक जाती है, जैसा कि आमतौर पर सिटी में रहती ही है। हम लगभग 200 किलोमीटर के आस पर इसे चलाकर देखेंगे, तो जिससे हमें लगभग सही अंदाज़ा हो जाए कि सिटी कंडीशंस के ट्रैफिक में यह क्या माइलेज देती है। दोस्तों, कार को अब हम लगभग 200 किलोमीटर के आसपास चला चुके हैं। कार को हमने सिटी के हर तरीके के ट्रैफिक पर चलाया है और इसकी स्पीड लिमिट लगभग 20 से 50 किलोमीटर के बीच में ही रखी गई है।
जैसा कि आमतौर पे शहरों में 50-60 एक मैक्सिमम स्पीड रहती है। आइए अब हम दोबारा उसी पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल भरवा कर देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है और कितना इसमें पेट्रोल फिल होता है। आप देख रहे हैं सामने मशीन पर 15.68 लीटर पेट्रोल इसमें फिल हुआ है। आइए अब कार को साइड में लगाकर इसे कैलकुलेट करके देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। कैलकुलेट करने से न्यू डिजायर 2024 VXI ऑटोमेटिक यानी AGS ने लगभग 14.34 किलोमीटर लीटर की माइलेज निकाल कर दे दी है। हमारे हिसाब से ये अच्छी माइलेज है। हमने कार को प्योरली सिटी में ड्राइव करा है। दिल्ली जैसे सिटी में ट्रैफिक किस तरह का होता है यह आप समझते ही हैं। तो दोस्तों, यह माइलेज टेस्ट हमारी तरफ से एक प्रयास है आप तक सही जानकारी देने का। उम्मीद करते हैं कि यह हमारा प्रयास आपको अच्छा लगेगा और आपकी जानकारी बढ़ाएगा। आपको हम इसी तरह की जानकारी देते रहें, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अवश्य बढ़ाएं। धन्यवाद।